ट्रेन जर्नी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं दीवा स्टेशन के बारे में। तो दीवा स्टेशन एक सेंट्रल हब स्टेशन है मेन लाइन का। यहाँ से कुछ पैसेंजर ट्रेन्स भी जाती हैं और कुछ मेल ट्रेन्स भी जाती हैं। तो अभी हम लोग जो स्टेशन पर जाने वाले हैं वो पैसेंजर रेलवे स्टेशन पर जाने वाले हैं, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 6 है। सो जो मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ या जो भी मैं ट्रेन में हूँ, ये ट्रेन दोस्तों रोहा से आती है। रोहा महाराष्ट्र का एक जगह है जो रोहा और दीवा को कनेक्ट करती है, ये जो पैसेंजर ट्रेन है। तो मेरा जो रूटीन होता है ऑफिस का नॉर्मली इसी से होता है। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू देता हूँ। ये दीवा स्टेशन बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ से आप लोग पनवेल के लिए भी जा सकते हो, रोहा के लिए भी जा सकते हो और पेन के लिए भी जा सकते हो। और यहीं से आप क्या नाम है वसई के लिए भी जा सकते हो और बाद में विरार और धानू के लिए भी जा सकते हो। तो बहुत ही हेल्पफुल रेलवे स्टेशन है और बहुत ही अच्छी इसकी ट्रेन्स हैं दोस्तों। ट्रेन की जो जर्नी है वो बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखोगे तो सीट की जो कंफर्टेबिलिटी है, साफ़ सफाई और बिल्कुल भी जहाँ पे गर्दी नहीं होती है। जो प्राइजेस भी हैं, जो ट्रैवलिंग अलाउंस ट्रैवलिंग के लिए जो टिकट्स है वो भी एक नॉर्मल कॉस्ट में है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग फटाफट उतरेंगे क्योंकि हम लोग को भी जाना है थोड़ा CST साइड में। सो यहाँ पर देख सकते हो सीट ऑलमोस्ट खाली है और थोड़े गिने चुने ही लोग हैं। सो यहाँ पर हम उतर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो कैसी दिखती है ट्रेन ये। सो बेसिकली हम लोग की ट्रेन जो है वो ऐसे जो सामने दिख रहा है आपको ट्रेन बेसिकली सेम ही दिखती है। अब ये जो ट्रेन है, अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ लोग ऐसे ही पटरी क्रॉस करके जा रहे हैं जो कि बहुत ही रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो ट्रेन आपके सामने दिख रही है ये ट्रेन दोस्तों जाती है वसई, एंड ऐसे सेम ट्रेन जो रहती है वो रोहा भी जाती है एंड दीवा भी जाती है। सो ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।